नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज एक मैं आपको बड़ी खबर बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के जाने माने शिक्षक, जिनको भारत का हर एक कोना में लोग जानते हो, ना जाने विश्व स्तरीय फेमस टीचर के ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया है उनके अगेंस्ट में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खान सर के बारे में, जिनके अगेंस्ट में FIR दर्ज हो चुका है। और FIR दर्ज क्यों हुआ है, जब आप ये सुनोगे तो आप खुद अचंभित हो जाओगे कि उनके नाम पे FIR दर्ज किया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्टूडेंट के हक के लिए लड़ा, उन्होंने स्टूडेंट की आवाज़ को बुलंद किया। क्या हमारे देश के संविधान में ये नहीं लिखा है कि अपने हक के लिए हम लोग लड़ सकते हैं? अगर नहीं लिखा है ये सब चीज़, तो आप उस संविधान को जला दीजिए। हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश में बोलने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ ये अधिकार ही है, जब लोग बोलते हैं अपने हक के लिए तो उनके ऊपर लाठी चार्ज, जैसे कि आपने पिछले 3-4 दिनों से देख रहे होंगे। एक गाना आया था पहले, होठों पे सच्चाई, होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। आज ये गाना पता है कैसे यू टर्न ले लिया है, सच्चाई नहीं है। अब यहाँ के जो सत्ता पे बैठे जो लोग हैं ना, उनके होठों पे सच्चाई नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए सच्चाई है, बाकी रियलिटी में नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं। अब गाना क्या आ गया है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, जिस देश में स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। जी हाँ, अपना देश यही है, जहाँ पे हक के लिए अगर लड़ने जाओगे तो उनके ऊपर लाठी चार्ज, और जो लोग उनका साथ देंगे, जो लोग उनको समझाएंगे कि सच्चाई क्या है, गलत क्या है, उनके ऊपर FIR कर दिया जाता है। यही है अपना भारत, यही है अपना नया भारत। आप याद रख लो कि आप एक खान सर के ऊपर FIR किए हैं, ना जाने आप कितने ऐसे खान सर को, ना जाने आप कितने ऐसे शिक्षक को आप FIR करोगे, जेल के अंदर डालोगे। मैं बता देना चाहता हूं कि आप एक दिन कोशिश करो जेल में डालने का, ये पूरा भारत उनके साथ रहेगा, ये पूरा भारत के युवा उनके साथ रहेंगे, क्योंकि भारत के युवा को पता है कि सच्चाई और गलत क्या है। ये सत्ता पे बैठे लोग को नहीं पता चलेगा कि सच्चाई और गलत क्या है, उनको सिर्फ अपने सत्ता से मतलब है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने जो कल बयान दिया कि NTPC का रिजल्ट जो है ना, उसके ऊपर अभी कमेटी गठन किया जाएगा, अगर आप यही 2-3 दिन पहले कर दिए होते तो आपके यहाँ जो आप भारत सरकार में जो रेल को जलाया गया डिब्बा को, क्या ये होता? नहीं होता। लेकिन आप इसके जिम्मेवार खुद हो। आप बताओ मुझे, कितने सारे टीचर्स के ऊपर FIR करोगे? करके दिखाओ सरकार। आप का रेल का डिब्बा जब जला तो आपको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि आपके इस एग्जाम के वजह से, आपके इस एग्जाम में स्कैम के वजह से कितने स्टूडेंट का जान चला गया, इसका आप जिम्मेवारी लेंगे? नहीं ले पाएंगे। क्या ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है क्या? मतलब सरकारी संपत्ति को नुकसान होगा तो FIR करवा देंगे, और जो बच्चे जान दे रहे, आत्महत्या कर रहे, सुसाइड कर रहे, उसके लिए कुछ आपके पास प्रावधान नहीं है? तो आप बनाइए फिर ऐसे प्रावधान को। कितने स्टूडेंट आपके वजह से सुसाइड कर लिए हैं, आप देखे होंगे, वीडियो वायरल हुआ होगा, कितने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं? कभी आपने पूछा कि ये वजह क्या है इसके पीछे का? नहीं पूछोगे ना, आपको क्या मतलब है पूछने का भैया, काहे का आप पूछोगे? आप तो सत्ता पे जो चाह रहे तो वही तो हो ही रहा है। आप भी पूरे भारत के देश के युवाओं को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग सब एक हो जाएं, और अपने हक के लिए अगर आज नहीं लड़े
तो ये आपको इसी तरह के लोग आते रहेंगे, दबा दबा के पूरा आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आप साथ दें। खान सरकार, मैं वो बच्चों को भी बता देना चाहता हूं कि जो उनके बारे में लोग जानते हैं, उनके बारे में भी बता देना चाहता हूं कि वो साथ दे, उनके गार्जियन साथ दें। और मैं हल्ला बोल करो उस दिन जिस दिन उनके ऊपर है ना पुलिस जो है जेल ले जाने का कोशिश करेगी, उस दिन पूरे एकदम हल्ला बोल जोर से करें, ताकि ये भारत सरकार क्या किसी के पास इतना हिम्मत नहीं होगा कि उनको जेल के अंदर डाल पाए। हम उस देश में रह रहे हैं जहां पे हम लोग को बोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन सिर्फ बोलने का अधिकार दिया गया है, क्या बोलने का अधिकार दिया गया है कि ये बड़े बड़े पार्टीज के हित में बात करो तो बहुत बढ़िया, जहां सच्चाई लोगों को बताओ तब आप अगेंस्ट में हो जाओगे, तब आपको जेल के अंदर डाला जाएगा। वही हम देश में जी रहे हैं, जहां पे लोग इतने लोग मर रहे हैं, जहां पे किसान इतने आत्महत्या कर रहे हैं, वहां पे किसानों का कोई तौल नहीं है, और एक जरा सा एक नेताओं को कुछ हो जाएगा तो फिर देखिए आप लोग का तमाशा। आपको पता होना चाहिए कि जो आप इतने बड़ा सत्ता पे बैठे हो वो आप नहीं खुद बैठे हो, उसमें हम लोग का हाथ है। सिर्फ यहां पे नेताओं का पूजा करोगे तो बहुत बढ़िया, पूजा करो, आप चरण दीजिए, पूजा करेंगे हम लोग सब मिलकर के आपका। बाकी स्टूडेंट क्या कर रहा, स्टूडेंट के साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, कितने तकलीफ झेल रहे हैं, ये आपको कुछ पता नहीं है। खाली आप तमाशा दिखाते हैं, सबका वजह आप हैं, आप सुन लो कान खोल करके। स्टूडेंट सुसाइड कर रहा तो उसका भी जिम्मेवार आप है, रेल को जलाया भी गया, पटरी को उखाड़ा भी गया तो उसके ऊपर उसका जिम्मेवार आप है। कितने सारे बच्चों को पथराव से चोट लगा, आपको क्यों मतलब होगा भैया, कौन सा स्टूडेंट को क्या हो रहा, आपको क्यों मतलब होगा, क्योंकि आपका सत्ता ठीक है ना, आप सो गए हो, जागो। और जिस दिन स्टूडेंट जाग गया ना उस दिन आप फिर सो जाओगे। पूरे सिस्टम को करप्ट बना के आप लोगों ने रख दिया है। मैं तो बोलना चाहता हूं कि खान सर को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, एक 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 आम नागरिक होने का गुजारिश यही है, फिर देखते देश कैसे नहीं चलेगा और कैसे नहीं डेवलप्ड होगा। आप जैसे नेताओं अगर बैठे रहेंगे ना इस कुर्सी पे तो कभी देश में बदलने वाला नहीं है, और महंगाई ही होते जाएगा, और यहाँ पे लोग गरीब के गरीब मरे जाएंगे, किसान आत्महत्या करते रहेगा, और स्टूडेंट के ऊपर हमेशा लाठी चार्ज होते रहेगा, ना जाने कितने स्टूडेंट और सुसाइड करेंगे। अरे आप क्या करोगे, आपको शर्म आनी चाहिए सत्ता पे बैठे हैं जो लोग। आप आओ फिर वोट के लिए आओ, फिर दिखाते हैं क्या स्टूडेंट यूनियन होता है और कितने लोगों के ऊपर FIR करना, करके दिखाओ थोड़ा सा। खान सर के ऊपर FIR किए हैं, हल्ला बोल होगा, हल्ला बोल जिस दिन अगर ये आपने कर दिया, ये गलती से भी ये नहीं करना आप, है ना। आप अगर ये कैसा करने का कोशिश करोगे तो गलती समझ के माफ, सब कुछ को एकदम छोड़ दो, हटा दो वो चीज को लेकर के, नहीं तो आप वो करने जा रहे हैं जो पूरे इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। फिर भारत आजाद होने का क्या मतलब आप लोगों ने बना दिया भैया, जब आजादी ही नहीं रहेगा बोलने का सच्चाई को लेकर के, तो फिर क्यों भारत आजाद हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अब वो जमाना नहीं रह गया जहां पे आप मूर्ख बना के रखोगे लोगों को, अब जमाना चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, अब दबा के रखो उतने जागेंगे बच्चे यहां के। लास्ट में बच्चों से गुजारिश है कि खान सर को अगर कुछ हो जाए तो आप लोग सब साथ मिलके दें, और उनके गार्जियन से भी कि सब लोग साथ मिल, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लिया वो सच के लिए लड़ा, और ये दुनिया का कोई भी शिक्षक हो ये लड़ना ही चाहिए था। आज अगर खान सर लड़े हैं और ना जाने कितने शिक्षक लड़े हैं तो ये बिल्कुल सही किए हैं, या स्टूडेंट के हक में था इस वजह से उन्होंने लड़ा। तो अगर सरकार इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करती भी है तो सब साथ मिल करके, है ना, सब एक साथ हो जाए और फिर से दिखा दे कि यूनिटी में कितना पावर होता है।
और ये आवाज वहां तक भी, केंद्र सरकार तक भी जाना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सरासर गलत कर रहे हो। यही बोल के मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद।